यहाँ से अभी जाऊँगा मैं सीधा वहाँ निकलूँगा जहाँ जाना है। तो आप लोगों को मैजिक देखना है, सो लेट्स सी। बूम, उधर से निकला इधर पे आ गया। और ये जगह बहुत सही है, नेचर वॉइस है, यहाँ पे थोड़ा शांति सब सुनेंगे तो आएगा। सो मेरी प्लानिंग कुछ इस तरह से है कि बहुत दूर से आए और अपने साथ एक मॉडल फोटोग्राफर भी है जो बाकी चीज़ें भी शूट करते हैं और पर्सनली फोटोज भी शूट करते हैं। तो ये है प्रतीक। हेलो एवरीबॉडी, हाय। ये आपको हेल्प, मतलब अगर आप लोगों को फोटोग्राफी करवानी और उसके अलावा कोई भी शूट करना है ये शूट करते हैं। इनका जो भी डिटेल्स है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो आप वहाँ से इनको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इनका इंस्टाग्राम पेज भी है kp.photos। हाँ, मैं इधर पे मेंशन कर दूंगा, आप फॉलो करिए और इनके जो वर्क है उसको देखिए और उस हिसाब से जो भी आपको लगे अच्छा तो उस हिसाब से कॉन्टैक्ट करिए इनको, क्योंकि काम तो भाई बहुत अच्छा करते हैं ये। तो देखते हैं अभी क्या है प्लानिंग। तो मैंने चेंज तो कर लिया है, तो अभी ये शूट करेंगे मेरे को, फिर मैं बताता हूँ। अगर अच्छा फोटोज आया तो मैं डाल दूंगा, वैसे तो अच्छा ही आएगा, काम अच्छा है इनका। तो लेट्स सी। ये हम लोग आए सेकेंड स्पॉट पे जो कि कुछ ऐसा दिखता है। इधर नीचे भी फोटो इन लोग खींच रहे हैं और ये वीडियो निकाल रहा है फ्लोइंग वाटर का। जगह तो बहुत सही है, चश्मे में कुछ दिख नहीं रहा और पीछे कुछ इस तरह से सीन है। तो दूसरा स्पॉट है और यहाँ पे फोटो खींच रहे हैं, कंप्लीट करते हैं फिर मैं कंटिन्यू करता हूँ क्योंकि अपने पास टाइम कम है, वरना बारिश अगर चालू हो गई गलती से भी बादल आ गए फिर पूरा फ्रेम खराब हो जाएगा और पूरा रिकॉर्डिंग खराब हो जाएगा। तो चलते हैं, मिलता बाद में। वहाँ से निकलते टाइम एक्चुअली बैटरी लो हो गई थी, इस वजह से मेरे को यहाँ पे घर पे पहुँचने के बाद रिकॉर्ड करना पड़ रहा है क्योंकि फ़ोन एकदम डेड हो गया था, स्विच ऑफ हो गया था। कैसे करके मैंने जो भी फ़ोटोज़ क्लिक किए थे 3% बैटरी के अंदर मैंने उसको फ़ोटोज़ को सब अपने में एक्सपोर्ट किया और जो भी क्लिक किए मैंने उसको आपको चेक करने के लिए इंस्टाग्राम पेज पे जाना पड़ेगा मेरे, जो कि यहाँ या फिर यहाँ लिंक हो रहा होगा या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक डाल दूंगा। आगे चेक करिए इंस्टाग्राम पे और फॉलो करिए और नेक्स्ट वीडियो के लिए ट्यून्ड रहिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कॉमेंट कीजिए, अगर पसंद है तो डिसलाइक भी करिए क्योंकि तभी मेरे को पता चलेगा कि मेरा वीडियोज़ कैसा है और कैसा नहीं है, तो उस हिसाब से मैं चेंजेस कर सकता हूँ। बाकी मैं ट्राई कर रहा हूँ, अभी टाइम नहीं मिल रहा, बट ठीक है, आई एम ओके विथ माई डे टू डे वर्क एंड स्टफ। आज संडे है, पूरा दिन कुछ करने के लिए है नहीं। अभी गया था एटीएम का कुछ काम था, एटीएम संडे का कुछ काम वाम रहता नहीं, तो एटीएम का थोड़ा कुछ काम था निपटाने गया था। फिर जाऊँगा कुछ सामान लेने के लिए, फिर मम्मी बोलेगी उस हिसाब से। रक्षाबंधन का सामान लेना था बट मैं लेट हो गया था फोटोशूट में, इस वजह से ऑलरेडी सामान आ गया है, मिसिंग रहेगा तो फिर देखते हैं। जो भी जगह पे हम लोग गए थे वो जगह का जो लोकेशन है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप जाके चेक कर सकते हैं, काफ़ी अच्छी जगह है। खास करके बारिश के टाइम पे बहुत पब्लिक आती है, लेकिन अभी कोरोना की वजह से
ठीक था, मतलब उतना रश नहीं था तो अच्छा था, सेफ था। और जो भी अपडेट्स हैं वो आपको वहाँ जाने के बाद मिलेगा, तो आप एक बार जाइए और ट्राई कीजिए, जगह अच्छा है। और अगर फ़ोटोशूट कराना है, प्री वेडिंग फ़ोटोशूट कराना है, जो भी डिटेल्स है वो तो मैंने जैसा प्रतीक से बात की वो मैं आपको मेंशन कर दूंगा, आप उसको फॉलो करिए, बहुत अच्छा फ़ोटो। बाकी आज के लिए इतने रखते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। सो टिल देन बाय।